आज स्टार्ट करेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन देखेंगे हम, स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। सबसे पहले जो स्टार डेल्टा जो कनेक्शन है उसके बारे में हम जानेंगे। स्टार डेल्टा कनेक्शन कहाँ यूज किया जाता है? तो स्टार डेल्टा कनेक्शन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है थ्री फेज में। तो थ्री फेज सर्किट में स्टार डेल्टा कनेक्शन का हम यूज करते हैं स्टूडेंट। इसके पहले स्टार कनेक्शन हमने पढ़ लिया है, अब हम देखेंगे डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन को समझने के लिए सबसे अच्छा ये है कि हम स्टार कनेक्शन को पहले समझ जाएं, और पिछली वाली जो क्लास है उसमें स्टार कनेक्शन को समझा दिया गया है। तो जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है स्टार कनेक्शन, वो क्या करेगा, वो स्टार कनेक्शन को पहले समझेगा, ठीक है, उसके बाद ही वो डेल्टा कनेक्शन को समझ पाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे ये डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो स्टार कनेक्शन का हमने उसके फार्मूले, स्टार कनेक्शन में हमने देखा था लाइन करंट, जो लाइन करंट होती है फेज करंट के बराबर होती है, उसमें देखा था हमने। अब हम देखेंगे स्टूडेंट डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या यूज किया जाता है, प्रॉपर डेल्टा की आकृति का, जैसे स्टार कनेक्शन होता है वैसे डेल्टा कनेक्शन भी होता है। मतलब थ्री फेज लाइन को हम दो तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, पहला स्टार कनेक्शन और दूसरा स्टूडेंट डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन से व्यवस्थित करने के बाद जब आप डेल्टा कनेक्शन में व्यवस्थित करेंगे, तो डेल्टा कनेक्शन में तीन सिरे निकलेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। मतलब ये एक सिरा पहला सिरा, ये दूसरा सिरा और ये तीसरा सिरा। तो तीनों सिरों में हम क्या करेंगे, वाइंडिंग वाले वायर को, मतलब तीन फेस वाले तार को जोड़ेंगे। तो इसमें थ्री फेस थ्री वायर सिस्टम होगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, डेल्टा कनेक्शन में थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम होगा, ये सब डेल्टा कनेक्शन में होगा। थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम डेल्टा कनेक्शन में होता है और थ्री फेज फोर वायर सिस्टम स्टार कनेक्शन में होता है। इन दोनों पॉइंट को हमें नोट करना है। तो थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम जो डेल्टा कनेक्शन में यूज किया जाता है, उसमें देखेंगे हम, हमने बताया था कि ये जो जो क्वाइल होती है, ये क्वाइल का जो स्टार्टिंग सिरा होता है, यहाँ से जहां से करंट इंटर करती है, ये S1 स्टार्टिंग सिरा होता है और ये फिनिशिंग सिरा होता है जहां से करंट बाहर निकलती है। तो करंट इंटर करेगी तो S से स्टार्ट करेगी और फिनिशिंग से एंड होगी। तो ये जो वाइंडिंग है, इन वाइंडिंग को हमें समझना पड़ेगा। देखिए स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले, तो डेल्टा कनेक्शन में यहाँ पर आर फेस और वाई फेस और बी फेस। तो इसमें आर फेस का जो तार होगा, देखो ये आर फेस जो है, ये सीधे आके सबसे पहले जब हम इसको कनेक्शन करेंगे, तो ये कहाँ से आके जुड़ा हुआ है, देखो पहला सिरा जो होता है, ये प्रथम सिरा जिसको बोलते हैं, तो ये प्रथम सिरा है। इस प्रथम सिरे से एक कॉइल, मतलब कि एक वाइंडिंग लपेटी हुई है। तो वैसे ही ये जो है सीधे कहाँ निकल गई, सेकेंड मतलब कि फिनिशिंग पॉइंट पे। फिनिशिंग पॉइंट क्या होता है, एंड सिरा होता है। तो फिनिशिंग पॉइंट ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिनिशिंग पॉइंट। जैसे मैंने कॉइल में बताया कि जहां से स्टार्ट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जहां पर एंड होता है वो फिनिशिंग पॉइंट होता है। तो इसमें ये जो कॉइल लपेटी हुई है, वो फर्स्ट फेज के लिए कॉइल को लपेट दी गई। वैसे ही इस सिरे में दो कॉइल को लपेटी जाएगी, कितने को, दो कॉइल को। इस सिरे में कोई भी एक सिरे में दो कॉइल को आपस में जोड़ी जाएगी। तो ये जो सिरा है, इस सिरे में हम क्या करेंगे, दो क्वाइल को लपेटेंगे, दो क्वाइल को जोड़ेंगे। तो ये फर्स्ट क्वाइल लपेट दी गई है। अब सेकेंड जो क्वाइल है, यहीं से ये स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है और ये फिनिशिंग पॉइंट, मतलब यहाँ से जो है ये सेकेंड, यहाँ पर क्वाइल लपेटने के बाद देखो ये इसका एंडिंग सिरा यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये जो पॉइंट होता है, ये S3 जो लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसका, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से लपेटने के बाद यहाँ पर जहाँ पहुंचेगा, ये इसका फिनिशिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आर फेस से दो वायर को कनेक्ट कर दिया गया है, मतलब कि दो क्वाइल को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो मेन कॉमन टर्मिनल बनेगा, ये आर बनेगा, मतलब कि रेड फेस बनेगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें। वैसे ही तीसरी जो क्वाइल है, देखो यहाँ से जो थर्ड क्वाइल है, इसको भी हमने लपेट दिए। लपेटने के साथ साथ फिर जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये होगा S2। ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मतलब कोने कोने से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये इसका फिनिशिंग पॉइंट होगा स्टूडेंट।
तो ये जो तीसरी कॉइल है, पहली कॉइल, ये दूसरी कॉइल और ये तीसरी कॉइल, तो ये तीनों कॉइल को हमने क्या किया, आपस में उसके इंड सिरे को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद हमें क्या मिला कि ये जो तीनों जो है डेल्टा कनेक्शन का निर्माण करते हैं। अब ये जो डेल्टा कनेक्शन है, इसका निर्माण करने के साथ साथ इसमें जो कॉइल लपेटी गई है, ये जो कॉइल है, ये एक तौर पे ये फेस वायर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक एक जो तार है वो फेस वायर कहलाता है। इसको भी फेस वायर कहेंगे, इसे भी फेस वायर कहेंगे और ये इसे भी फेस वायर कहेंगे। तो प्रत्येक फेस में, आर फेस में ई आर उत्पन्न होगा, वाई फेस में ई वाई उत्पन्न होगा और ई बी फेस में, ठीक है, ई बी वोल्टेज उत्पन्न होगा, मतलब ई फेस में ई बी। तो जैसे जो वोल्टेज है वी बी या ई बी, इन दोनों को एक ही मान बोला जाता है, मतलब कि ये जो फेस वोल्टेज है बी वायर, या ये बोल सकते हैं ब्लू जो वायर है उसका फेस वोल्टेज। तो ये जो डेल्टा का कनेक्शन का निर्माण कर रहे हैं, इसमें जब इसको हम देखेंगे पूरा पूरा यदि डायग्राम में देखें, तो पूरे डायग्राम में देखने पर हमें क्या मिलेगा, ये इस तरीके से मिलेगा स्टूडेंट, मतलब ये आपको क्लियर डेल्टा कनेक्शन मिलेगा। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से थ्री फेज थ्री वायर यूज किया जाता है? डेल्टा कनेक्शन में थ्री फेज थ्री वायर का ही यूज किया जाता है। तो ये थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम हो गया। तो प्रथम फेज, ये द्वितीय फेज, मतलब कि ये आर फेज, ये वाई फेज हो जाएगा और ये थर्ड वाला बी फेज हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसे जब हम कनेक्शन करेंगे तो ये आर फेज, वाई फेज और बी फेज, हमने यहाँ पर देखा ये S3 और F1 यहाँ पर ज्वाइंट हुए हैं, यहाँ पर F3 और F1 ज्वाइंट हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर F1 और F2 ज्वाइंट हुए हैं, मतलब तीन कोने में तीनों जो फेस वायर हैं इसको आपस में ज्वाइंट कर दिया गया है और उनमें उत्पन्न होने वाला वोल्टेज VB या EB कह सकते हैं हम। तो EB वोल्टेज किस में उत्पन्न हुआ, ये हो जाएगा बी फेस में, आर फेस में वोल्टेज उत्पन्न होगा और वाई फेस में वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो इनमें फ्लो होने वाली करंट भी मिलेगी आपको। तो करंट कौन सी मिलेगी, आर में IR करंट होगी, मतलब आर फेस में IR करंट उत्पन्न होगी और ये करंट ऊपर की ओर सीधे आर फेस तक बाहर निकलेगी, ठीक है, इस एरो से बाहर निकलेगी स्टूडेंट। अब यहाँ पर वैसे ही जो IB करंट है, ये IB करंट कहाँ से होगी, इंटर करेगी, तो ये जो है आर फेस से इंटर करेगी अंदर की ओर और इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो दो तार आर फेस में दो तार जुड़े हुए हैं, तो एक का डायरेक्शन होगा अंदर की ओर करंट का और दूसरा करंट जो IR करंट है वो बाहर की होगा। IB करंट का डायरेक्शन जो है ये अंदर की ओर होगा, IB करंट का डायरेक्शन का क्या होगा, अंदर की ओर। ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, IB करंट का जो डायरेक्शन होगा अंदर की ओर होगा और IR करंट का जो डायरेक्शन, कॉइल का डायरेक्शन होगा, उसमें करंट जो फ्लो होगी वो IR का, वो बाहर की ओर होगा। इन दोनों में यही भिन्नता है, इसीलिए IR माइनस क्या हो जाएगा, IB हो जाएगा, क्योंकि करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे जब ये IB करंट अंदर की ओर फ्लो होगी, तो ये जो IV करंट है सर्कुलेट होते हुए कहाँ जाएगी, तो ये जो ब्लू वायर है, ब्लू फेस वायर से IV करंट होते हुए, सर्कुलेट होते हुए ये कहाँ पहुंचेगी, सीधे IV करंट कहाँ पहुंचेगी, ये B फेस पर पहुंचेगी। किस पर पहुंचेगी, फेस B पर। तो ये हमें समझना है कहाँ से स्टार्ट हुई ये करंट, इंटर कहाँ से की, करंट इंटर की आर फेस से, ठीक है, आर फेस से इंटर की, और IV करंट कहाँ से सर्कुलेट होते हुए पहुंची, S3 के पॉइंट से होते हुए ये बी फेस पर पहुंची स्टूडेंट। तो देखो जैसे ऊपर में IV करंट का डायरेक्शन जो था इंटर कर रही थी अंदर की ओर आर फेस से, और जो IR जो करंट है ये बाहर निकल रही थी, वैसे ही तीसरे पॉइंट को यदि हम चेक करें, यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर भी जो IB करंट जो है वो बाहर की ओर जा रही है, ठीक है, इंटर कहाँ से की, आर फेस से इंटर की करंट और बी फेस से बाहर निकल रही है IB करंट। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी वैसा ही है सिस्टम, मतलब कि यहाँ पर जब IR करंट जो उत्पन्न होगी, ये IR जो करंट है
वाई फेस से इंटर कर रही है, अंदर की ओर आ रही है, और आईआर करंट जो है वाई फेस से अंदर होते हुए आर फेस में, मतलब इस फेस वायर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा ईआर, उससे फ्लो होते हुए बाहर की ओर, आर फेस से बाहर की ओर करंट निकल जाएगी। तो ये करंट का डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो गया स्टूडेंट। सेम वैसे ही तो यहाँ पर आई जो वाई है, मतलब कि वाई फेस की जो करंट है, ये वाई फेस की करंट देखो आई वाई क्वाइल से, मतलब कि ये जो फेस क्वाइल है, यहाँ फेस क्वाइल से करंट बाहर निकलते हुए एस टू पॉइंट से सीधे वाई फेस से बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आई वाई माइनस आई आर बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को हमें समझना है स्टूडेंट, ये बहुत कम आपको बुकों में मिलेगा, जो अच्छी ऑथेंटिक बुक है उस बुक में ही ये सब लिखा हुआ है स्टूडेंट। ये पर्सनल नोट्स में पढ़ा रहा हूँ आपको। दूसरी बात ये है कि ये जो डायरेक्शन है, मतलब इस डायग्राम का जो, इसमें आई बी करेंट अंदर की ओर जा रही है, आई आर करेंट बाहर की ओर आ रही है, इसकी वजह से ही यहाँ पर आई आर माइनस आई बी उत्पन्न होगा। सेकेंड वाई फेस में भी वही होगा, वाई फेस से आई आर करेंट अंदर की ओर जाएगी और आई वाई करेंट बाहर की ओर आएगी। तो जो वाई फेस है तो वाई फेस में आई वाई जो करेंट होगी वो हमेशा बाहर की ओर आएगी। आई वाई करेंट कहाँ होगी, बाहर की ओर आएगी। आर फेस में आई आर करेंट बाहर की ओर होगी, ये पॉइंट को नोट करना है हम, आई आर करेंट आर फेस में बाहर की ओर होगी, और आई बी जो है बी फेस में आई बी जो करेंट होगी वो बाहर की ओर निकलेगी। मतलब जिस फेस में जो करेंट की बात करेंगे हम, वो करेंट बाहर की ओर होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट, बाहर की ओर होगा। और आर फेस में जो करेंट है वो बाहर की ओर होगा, वाई फेस में आई वाई करेंट बाहर की ओर होगा, ठीक है, और बी फेस में जो करेंट है वो भी बाहर की ओर होगा, आई बी जो करेंट होगी वो भी बाहर की ओर होगा स्टूडेंट। तो ये इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या बनेगी, आई आर माइनस आई बी आर फेस में, वाई फेस में बनेगा आई वाई माइनस आई बी आई वाई माइनस आई आर, और थर्ड जो बी फेस है उसमें बनेगा आई बी माइनस आई वाई। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से समझ में आएगा आपको। अब इसमें देखेंगे हम स्टूडेंट, इसके बाद जब देखेंगे कि डेल्टा जो कनेक्शन होता है इसमें जो वोल्टेज बिल्डअप होता है वो वी बी वी आर और वी वाई हो जाएगा। तो तीनों फेस में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा उसे ई बी भी कह सकते हैं या वी बी भी कहा जा सकता है। बेस में लिखा रहेगा फेस का नाम ई बी या वी बी, ई बी या वी बी। तो आर फेस में वी आर वोल्टेज उत्पन्न होगा, वाई फेस में, सभी को समझ में आ रहा है, वाई फेस में वी या वी वाई उत्पन्न होगा और बी फेस में वी बी उत्पन्न होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम इसे समझेंगे। अब यदि यहाँ देखा जाए तो लाइन वोल्टेज, देखो इसमें क्या होता है, ये है डेल्टा कनेक्शन, और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, लाइन जो वोल्टेज है वो फेस वोल्टेज के बराबर होता है, लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर होता है स्टूडेंट। तो जो डेल्टा कनेक्शन में हमेशा देखा हमने कि लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर होता है, और स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेस करंट के बराबर होता है। तो यहां पर हम देखेंगे लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के इक्वल होता है स्टूडेंट डेल्टा कनेक्शन में। अब इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए, हम जब डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं तो एक साइड को ओपन कर दिया जाए तो ये वी बन जाता है डेल्टा कनेक्शन। मतलब यदि वी बनाएंगे हम, ये वी लिखे तो वी के ऊपर वाले पार्ट को हमने ओपन कर दिया तो ये वी बन गया, और उसे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, डेल्टा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर होता है, किसमें, डेल्टा कनेक्शन में। तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर होगा। तो देखिए अब यहाँ पर प्रत्येक फेस के बीच में क्या मिलेगा आपको, प्रत्येक आर और वाई के बीच में हमने क्या बना दिए, एक लोड को कनेक्ट कर दिए, आर फेस और वाई फेस के बीच में एक लोड को कनेक्ट कर दिए, Y और B के बीच में एक लोड को कनेक्ट कर दिए, और R और B के बीच में भी एक लोड को हमने कनेक्ट कर दिए। तो ये समान लोड है स्टूडेंट। यदि ये 200 वाट का लोड है तो वो
आर और वाई के बीच में भी 200 वाट का लोड लगाते हैं, तो वाई और बी के बीच में भी आप लोड जो लगाएंगे वो 200 वाट का ही होगा। ठीक है, अभी हम बैलेंसिंग लोड की बात कर रहे हैं, ये भी 200 वाट का होगा स्टूडेंट, ये भी 200 वाट का ही लोड समझिए आप, आर वाई और वाई बी के बीच में। अब इसके बाद देखेंगे ये जो हमें वोल्टेज मिलेगा आर और वाई के बीच में, तो वो कौन सा वोल्टेज मिलेगा, वी आर वाई, आर और वाई फेज के बीच में जो वोल्टेज मिलेगा वो हो जाएगा वी आर वाई, मतलब आर और वाई के बीच का वोल्टेज वी आर वाई होगा। वैसे ही वाई और बी के बीच का वोल्टेज क्या होगा स्टूडेंट, वी वाई बी होगा। और ये वी वाई बी किसके बराबर होगा, वाई कॉइल में उत्पन्न वोल्टेज के बराबर होगा। वैसे ही वी आर वाई, आर और वाई के बीच का जो वोल्टेज है वी आर वाई, वो किसके बराबर होगा, वी आर के बराबर होगा स्टूडेंट, ये हमें याद रखना है। ठीक है, वैसे ही आर और बी के बीच का फेस वोल्टेज जो मिलेगा आपको वी बी आर मिलेगा, और फेस जो बी है उसमें जो उत्पन्न वोल्टेज है वो उसके बराबर होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमें इसे क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब आगे आपका पॉइंट देखते हैं हम, ये जो डेल्टा कनेक्शन होता है इसमें लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर होता है, तो लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर होने का रीजन क्या होगा, हम ये भी देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में अक्सर जब हम देखेंगे तो डेल्टा कनेक्शन में, डेल्टा कनेक्शन जो थ्री क्वाइल होती है, मतलब तीन जो क्वाइल होती है, ये तीनों क्वाइल आपस में देखना असमान सिरों, मतलब उसमें क्या हो जाएगा आपको डेल्टा कनेक्शन में असमान जो सिरे होंगे, डेल्टा कनेक्शन में थ्री फेज क्वाइल के असमान सिरों, अर्थात कि जो स्टार्टिंग सिरा होता है और जो एंडिंग सिरा होता है को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसमें होता क्या, बेसिकली एक क्वाइल का स्टार्टिंग सिरा और दूसरे क्वाइल का एंडिंग सिरा प्लस दूसरे क्वाइल का, ये फर्स्ट क्वाइल का जो है वो स्टार्टिंग सिरा हो जाएगा प्लस सेकेंड जो क्वाइल है उसका एंडिंग सिरा, मतलब उसको फिनिशिंग सिरा भी कहते हैं, एंडिंग सिरा। तो दूसरे क्वाइल का एंडिंग सिरा मतलब ये जो है स्टार्टिंग, पहले क्वाइल का स्टार्टिंग सिरा, दूसरे क्वाइल का एंडिंग सिरा, उसको एक दूसरे को आपस में क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, और इस प्रकार हम थ्री फेस और थ्री वायर बनाते हैं। इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, सभी को मालूम है कि डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, लेकिन इसमें लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर होता है स्टूडेंट। तो हमें पता है फर्स्ट पॉइंट तो यही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लिया जाए कि लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। सेकेंड में फेस जो करेंट है वो कौन कौन सी करेंट होगी, आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी, आई आर करेंट, आई वाई करेंट और आई बी करेंट। तो ये जो फेस करेंट है, ये तीनों जो करेंट है ये लाइन करेंट के बराबर में कैसे होगा, तो हमने देखा था आई आर करेंट इंटर कर रही थी अंदर की ओर, बाहर की ओर, और आई वी करेंट अंदर की ओर इंटर कर रही थी स्टूडेंट इसमें। तो आई आर जो करेंट है वो बाहर की ओर जा रही थी आर फेस में, और आई बी जो करेंट है वो अंदर की ओर इंटर कर रही थी, तो ये बाहर की ओर जा रही थी ये करेंट आई आर करेंट, और आई बी करेंट अंदर की ओर इंटर कर रही थी इसमें। तो ये जो लाइन करेंट का जो रिजल्टेंट मान है, मतलब आर फेस का जो रिजल्टेंट मान है, वो क्या मिलेगा, आई आर माइनस आई बी, क्या मिलेगा स्टूडेंट, लाइन करेंट आई आर माइनस आई बी। तो ये आर फेस के लिए हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, आर फेस के लिए हो जाएगा। वैसे ही जो लाइन करेंट है वाई फेस का, वो क्या हो जाएगा, आई वाई माइनस आई आर। थर्ड में होगा आई बी करेंट, तो आई बी जो मतलब कि बी फेस की जो करंट होगी वो रिजल्टेंट मान क्या हो जाएगा, आई बी माइनस आई वाई। तो ये जो लाइन करंट जो है हमें कैसे प्राप्त होगी, हमें लाइन करंट यदि आर फेस का ज्ञात करना है तो आई आर माइनस आई बी करना पड़ेगा, तब आर फेस की लाइन करंट निकलेगी। वैसे ही वाई फेस की भी लाइन करंट कब निकलेगी, आई वाई माइनस आई बी करेंगे, आई आर करेंगे तब। वैसे ही बी फेस की लाइन करंट कब निकलेगी स्टूडेंट, वैसे ही बी फेस की लाइन करंट जब निकलेगी तो वो कैसे निकलेगी, ये निकलेगी स्टूडेंट आई बी माइनस आई वाई।
मतलब कि हमें उससे घटाना पड़ेगा। तो इसमें जो लाइन वोल्टेज होता है फेस वोल्टेज के बराबर होगा, लेकिन लाइन करंट जैसे कि स्टार में हुआ था वैसा ही होगा। तो इसमें लाइन करंट जो है वो कैसे होगा, लाइन करंट √3 फेस करंट के। तो लाइन करंट उसके √3 गुना फेस करंट के होगा। तो देखो यहाँ पर जो लाइन करंट है वो फेस करंट के √3 गुना होगा स्टूडेंट। और जब इसका पावर निकालेंगे हम, तो पावर कैसा निकलेगा स्टूडेंट, पावर निकालने के लिए इसका जो पावर निकलेगा P = √3 VL IL cos φ। तो ये है एक्टिव पावर जो किलोवाट में होती है स्टूडेंट। जो पावर कंज्यूम होगी, पावर की जो खपत होगी वो पी पावर से निकाल सकते हैं, √3 VL IL cos φ से स्टूडेंट। उसके बाद इसमें क्या होता है, स्टार कनेक्शन में अक्सर हम देखते हैं कि एक फेस जब यदि इसका ओपन हो जाए डेल्टा कनेक्शन में, तो डेल्टा कनेक्शन में एक फेस ओपन हो जाए तो पावर क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है वो पावर। मतलब कि यदि कोई डेल्टा कनेक्शन हमने बना दिए और एक फेस क्या हो जाए वहां से ओपन हो जाए, एक फेस को यदि हम ओपन कर दें, एक फेस को यदि हम ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा, पावर उसकी 1/3 गुना हो जाएगी। और 1/3 गुना क्या हो जाएगी, कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, 1/3 हो जाएगी स्टूडेंट पावर। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान देना है। नए स्टूडेंट जो ज्वाइन में अभी हो रहे हैं, जिनको ज्वाइन में कर रहा हूँ, कृपया करके वो म्यूट कर देंगे, ठीक है, ताकि उनकी जो आवाज है घर की सराउंडेड जो आवाज है वो मुझ तक ना पहुंचे, ठीक है स्टूडेंट। तो जो 1/3 कम होगी तो इसका कारण क्या है, एक फेस ओपन होने के कारण ये सिचुएशन क्रिएट होती है। तो वो जो परसेंटेज में यदि हम उसको निकालेंगे तो ये निकलता है 33.33%। ठीक है स्टूडेंट, कितनी निकलेगी, 33.33%। तो 33.33% एक फेस ओपन होने पर मिलेगी आपको। तो इसमें क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर होता है, मेन पॉइंट है और इस पॉइंट को याद हमें रखना है। ठीक है, यदि इसमें रिएक्टिव पावर निकालना है हमें, जिसे क्यू से शो किया जाता है रिएक्टिव पावर को, तो क्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, √3 VL IL sin φ से निकालेंगे। और ये साइन फाइ से निकालेंगे, ये क्या होती है, रिएक्टिव पावर होती है, जिसे KVR में शो करते हैं स्टूडेंट। यदि अपेरेंट पावर निकालना है, KVA पावर या अपेरेंट पावर निकालना है हमें, तो वो कैसे निकालेंगे हम, S का फार्मूला होता है, यह फार्मूला रूट में वर्गमूल में पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर होता है, और ये अपेरेंट पावर कहलाता है स्टूडेंट। अपेरेंट पावर कैसे निकालेंगे, पी का स्क्वायर मतलब पावर का स्क्वायर, यही पावर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्यू का मतलब कि रिएक्टिव पावर का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से आप वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि यदि पावर निकालना, एक्टिव पावर को निकालना है, तो √3 VL IL cos φ का यूज करेंगे। यदि हमें रिएक्टिव पावर निकालना है तो √3 VIL sin φ वाला फार्मूला यूज करेंगे। यदि हमें अपेरेंट पावर निकालना है, जिसे केवीए से शो करते हैं, तो ये पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल लगाकर हम मान निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो इतनी चीजों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि ये जो डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन में फेजर डायग्राम किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो डेल्टा कनेक्शन में फेजर डायग्राम जो है स्टूडेंट, वो इस तरीके से बनाया जाता है, जैसे आप स्टार कनेक्शन में देखा था वैसे ही हम डेल्टा कनेक्शन में भी देखेंगे। तो बहुत सारी बुक में इसके बारे में दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका फेजर डायग्राम भी दिखा रहा हूँ बनाकर, ये होता कैसा है, फेजर डायग्राम क्यों यूज किया जाता है। इसमें देखेंगे स्टूडेंट, ये जो है डेल्टा कनेक्शन का फेजर डायग्राम, इसमें हमने देखा था ये जो IR - IB, ये रिजल्टेंट है लाइन करंट, इसका नाम क्या है, लाइन करंट। तो ये है लाइन करंट स्टूडेंट। अब लाइन करंट का जो मान है, ये रिजल्टेंट मिलेगा आपको, तो रिजल्टेंट किस किस के साथ मिलेगा, IR - IB से मिलेगा, क्योंकि हम R फेस की लाइन करंट जब ज्ञात करते हैं तो IR के साथ IB को घटा देते हैं, तो ये हो जाएगी लाइन करंट स्टूडेंट। उसके बाद हम देखेंगे इसमें ये जो ER है VRY के बराबर होता है, ये भी हमने देखा, EY
वी वाई बी के बराबर होता है, वैसे ही ई बी जो है ये किसके बराबर होता है, ई बी वी वाई वी